हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल के हमारे आप सभी दर्शक गणों का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जो चर्चा का विषय है वो है शुक्र का राशि परिवर्तन। शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं इसी माह, और वो जो राशि परिवर्तन इनका होगा वो 17 जुलाई 2021 दिन शनिवार को प्रातः 9:25 पर अपनी जो ये शत्रु राशि में फिलहाल चल रहे हैं कर्क राशि में, यहां से ये निकलेंगे और निकल करके जो आगे आने वाली राशि जिसमें इनका प्रवेश होगा सिंह राशि, वो भी इनकी शत्रु राशि ही है, उसमें ये प्रवेश करेंगे 17 जुलाई 2021 दिन शनिवार को सुबह प्रातः 9:25 पर अपनी शत्रु राशि कर्क से निकल करके अपनी शत्रु राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। अब क्योंकि शत्रु राशि सिंह ये इसलिए है शुक्रदेव की, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी लॉर्ड जो है वो सन है सूर्य, और सूर्य जो है शुक्र के साथ उनकी शत्रुता है, तो इसलिए मैंने कहा कि उनकी शत्रु राशि मतलब जो है शुक्र की सिंह राशि, उसमें इनका प्रवेश होगा 17 जुलाई को। लेकिन उदय और मार्गी अवस्था में होगा, ना ये अस्त होंगे ना ये वक्री होंगे। और इसके अतिरिक्त जब इनका सिंह राशि में प्रवेश होगा 17 जुलाई को, तो उस समय ये मघा नक्षत्र का प्रथम चरण में भी इनका प्रवेश होगा, क्योंकि जब कोई भी ग्रह अपने किसी राशि में जाता है एक राशि से निकल के दूसरे राशि में, तो वो नक्षत्रों में भी विचरण होता है, उसका संचार होता है। तो इनका जो है उसी दिन ये मघा नक्षत्र में प्रथम चरण में भी इनका प्रवेश होगा। मघा नक्षत्र के स्वामी जो है वो केतु हैं, वो इनके मित्र हैं, तो राशि इनकी शत्रु हो गई और जो नक्षत्र है मघा वो इनका मित्र ग्रह का नक्षत्र हो गया। और ये यहां पर बने रहेंगे इस सिंह राशि में 11 अगस्त तक, और 11 अगस्त तक जब तक ये इस राशि में बने रहेंगे तब तक ये मघा नक्षत्र के चारों चरण में रहेंगे। उसके बाद फिर ये आएंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो इनका स्वयं का नक्षत्र है, फिर अंत में जाकर के ये 8 अगस्त के आसपास ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आएंगे जो कि सूर्यदेव का नक्षत्र है। तो ये स्थिति इनकी अभी 11 अगस्त तक की जो रहने वाली है वो मैंने आपको बताया है। अब आगे शुक्रदेव के विषय में अगर हम एक संक्षेप में बात करें तो वो ये है कि देखिए, 9 ग्रहों में शुक्रदेव बहुत ही, मैं इनको सबसे इस मामले में बहुत ही उत्तम ग्रह मानता हूं। क्यों? क्योंकि आज के जीवन में जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है, हर कोई मेहनत करता है, मेहनत करके कमाता है, खाता है, परिवार को पालता है, तो हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने जीवन में अधिक से अधिक सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकूं। लेकिन हर कोई व्यक्ति नहीं कर पाता, कुछ आंशिक रूप से कर पाते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं कर पाते, कुछ थोड़ा और अधिक, लेकिन ये जीवन में सब किसके कारण मिलता है? ये शुक्रदेव के कारण। शुक्रदेव को सुख सुविधाओं का, वैभव का कारक माना गया है। कहने का अभिप्राय यह हुआ दोस्तों कि आपकी कुंडली में अगर शुक्रदेव अच्छी अवस्था में है, मजबूत पोजीशन में है, या फिर उन्होंने कोई राजयोग का निर्माण किया है और उनके दशा आपके जीवन में अगर आती है, तो निश्चित रूप से आपको भी सुख सुविधाओं का वे लाभ देंगे। जितना अधिक मजबूत होंगे उतना ही अधिक आपको सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा। तो शुक्रदेव इसलिए मुझे बहुत
अच्छे, यूं तो सारे ही ग्रह बहुत अच्छे हैं, हर ग्रह अपने हिसाब से अपना अपना परिणाम देते हैं, लेकिन शुक्र देव क्योंकि सुख और वैभव के ही कारक हैं तो इसलिए बहुत पसंद है मुझे शुक्रदेव। तो यहां पर अब आपसे मैं चर्चा करूंगा कि शुक्रदेव जब ये राशि परिवर्तन करेंगे 17 जुलाई को अपनी शत्रु राशि सिंह में जाएंगे तो वो कौन से व्यक्ति होंगे, किस राशि के कि जिनको सर्वाधिक लाभ ये देंगे या इनकी विशेष कृपा कौन सी राशि के जातकों को प्राप्त होने वाली है, इसकी चर्चा आपसे हम करेंगे और आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी के एरीज साइन। तो साथियों मेष राशि का चार्ट मेरे सामने है, एरीज साइन जिनका होता है, और आपके चार्ट में जो शुक्रदेव हैं वो सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस के लॉर्ड हैं, यानी के द्वितीय भाव और सप्तम भाव के लॉर्ड हैं। और अब वो कहां पर 17 जुलाई से आएंगे, पंचम भाव यानी फिफ्थ हाउस में, जहां पर सिंह राशि है यहां पर वो बैठेंगे। और जब यहां पर बैठेंगे तो गुरु के साथ उनका दृष्टि संबंध बनेगा। तो आपको बताना चाहूंगा कि किस क्षेत्र में आपको शुक्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है, मिलने वाला है। देखिए शुक्रदेव, आप जो छात्र लोग, जो मैं विशेष रूप से बोल रहा हूं कि जो छात्र है अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके जो परिणाम है शिक्षा से संबंधित वो उत्साहवर्धक रहेंगे, काफी अच्छे रहेंगे, या फिर दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि उनकी शिक्षा बहुत स्मूथली बिना किसी विघ्न बाधा के आगे चलेगी, पढ़ेगी आपकी पढ़ाई जो है, आप उसमें अग्रसर होंगे अपनी पढ़ाई को लेकर, सब कुछ ठीक चलेगा आपकी पढ़ाई को लेकर के। दूसरा, जो लोग कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं, चाहे रोजगार में है व्यापार में है, उनकी आय में बढ़ोतरी शुक्रदेव कराएंगे, उनको उनके मित्रों से भी सहयोग प्राप्त होगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, ये शुक्रदेव कराएंगे आप मेष लगन के, मेष राशि के जातकों को। और क्योंकि सुख सुविधाओं का भी लाभ आपको प्राप्त कराएंगे यहां पर, क्योंकि जिस घर के लॉर्ड है वो द्वितीय भाव के, वहां से वो चौथे भाव में बैठे हैं, तो आपको सुख सुविधाओं का भी लाभ प्राप्त होगा शुक्रदेव के कारण। अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होने जा रही है मेष लगन के जो जातक हैं शुक्रदेव के कारण। अब आगे चर्चा होगी वृषभ राशि की, यानी कि टॉरस साइन। और देखिए वृषभ राशि के स्वामी तो स्वयं शुक्रदेव हैं, आपके लगन में वृषभ राशि है और वृषभ राशि के स्वामी मैं जैसा कि बोल रहा हूं कि शुक्रदेव हैं, और शुक्रदेव अब वो अपने से चौथे भाव में बैठेंगे, एक आपके लगन भाव के स्वामी हैं और दूसरा षष्ठ भाव के स्वामी हैं, षष्ठ भाव के, छठे भाव के, सिक्स हाउस। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि देखिए बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं, आपके कारोबार, आपके व्यापार, आपके रोजगार में भी काफी आपको एक तरीके से, जो मैं कह सकता हूं ये बात कि सुविधाजनक आपका काम हो जाएगा, जितना एफर्ट या जितनी मेहनत या जितनी परेशानी आप उठा रहे थे पिछले टाइम से, अगर उठा रहे थे तो उसमें भी आपको काफी आसानी हो जाएगी, अपने काम में आसानी हो जाएगी। और हर चीज आप ये समझिए कि आपके अनुकूल होगी, काफी सुकून मिलेगा आपको शुक्रदेव के 17 जुलाई से सिंह राशि में आने के बाद आपको अपने कार्य क्षेत्र में। कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप कर पाएंगे अपने कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से। दूसरा क्या फल प्राप्त होगा, दूसरा फल प्राप्त होगा सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त करेंगे आप। हो सकता है कि कोई नया वाहन खरीद लें, हो सकता है कि कोई कुछ, चाहे वो दो पहिया वाहन है या चार पहिया वाहन है, कुछ इस प्रकार का कुछ खरीद सकते हैं आप, मतलब आपके जो है सुखों में वृद्धि। इसके अतिरिक्त आप का अगर कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला चल रहा है पहले से, उसमें भी आपको काफी राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा, और विरोधी भी आपके शांत होंगे क्योंकि गुरु के साथ दृष्टि संबंध है। बेशक वो अपनी शत्रु राशि में है,
मैंने जैसा कहा था आरंभ में, लेकिन यहां पर गुरु की शुभ दृष्टि में भी है शुक्र। तो इस प्रकार आपको ये सब लाभ प्राप्त होंगे शुक्रदेव के कारण। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन, मिथुन लगन, आपके चार्ट में जो मैं देख रहा हूं द्वादश भाव के लॉर्ड हैं 12th हाउस के शुक्र, और पंचम भाव यानी 5th हाउस के लॉर्ड हैं, और 3rd हाउस में ये रहेंगे 17 जुलाई से 11 अगस्त तक। और जब ये यहां पर आएंगे तो देखिए जो छोटी दूरी की यात्राएं हैं वो आपके लिए लाभकारी रहेंगी अगर आप करेंगे तो। छोटे भाई बहनों का सहयोग भी आपको मिलेगा, प्यार मिलेगा आपको पूर्ण रूप से, और आपके भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। सबसे बड़ी बात, जब तक देखिए साथियों हम कुछ भी जीवन में परिश्रम करें स्ट्रगल करें, जब तक हमारा भाग्य हमारे साथ नहीं होता है तब तक हमारा प्रयास भी जो है वो विफल हो जाते हैं। और जब हम किसी प्रकार के प्रयास करते हैं, एफर्ट डालते हैं किसी काम में और हमारा भाग्य साथ दे जाए तो बहुत मतलब सोने में सुहागा। तो इस प्रकार भाग्य का भी आपको सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा यहां पर शुक्रदेव के कारण। तो आपके बनते हुए मतलब जो बिगड़ते हुए काम है वो भी बनेंगे, बिगड़े काम रुके हुए काम जिनमें पहले प्रॉब्लम्स आ रही थी भाग्य का, क्योंकि भाग्य मजबूत हो रहा है शुक्रदेव के कारण। तो जब भाग्य मजबूत होगा तो बाकी के जो भी कार्य रुके पड़े हैं वो भी आगे चलेंगे सुचारू रूप से। तो इस प्रकार जो है आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम लेकर के आ रहे हैं शुक्रदेव 17 जुलाई से। कर्क राशि, कर्क लगन, कैंसर साइन, आपके जो चार्ट में मैं देख रहा हूं कि शुक्र जो है एकादश भाव के स्वामी है यानी कि इनकम के घर के स्वामी 11th हाउस के, और दूसरे चतुर्थ भाव के स्वामी 4th हाउस, और कहां बैठेंगे ये द्वितीय भाव में बैठेंगे साथियों। द्वितीय भाव में बैठ करके ये क्या करेंगे, आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। 17 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, आप सॉफ्ट स्पोकन होंगे, आपका व्यवहार दूसरों के प्रति बहुत अच्छा होगा, आपके व्यवहार से लोग प्रसन्न होंगे, आपकी टंग बहुत मधुर होगी, और परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा। और अचानक आपको आपके बुजुर्गों से हो सकता है कि कुछ आशीर्वाद के रूप में उनकी तरफ से कुछ आपको संपत्ति का कुछ अंश या कुछ हिस्सा आपको वो दे दे, प्रसन्न होंगे। ये सब शुक्रदेव के कारण, और आपकी इनकम में इजाफा, आपकी आय में बढ़ोतरी। अगर कोई रुकावट है तो रुकावट भी दूर होगी, कोई बाधा आ रही थी अगर इनकम में वो भी दूर करेंगे शुक्रदेव, और आपकी सेविंग्स भी कराएंगे। बहुत अच्छा परिणाम लेकर आ रहे हैं आपके लिए शुक्रदेव। अब आगे चर्चा करेंगे सिंह राशि यानी कि लियो साइन, सिंह लगन, तो आपका चार्ट में दशम भाव के शुक्र जो है वो स्वामी है, करियर के स्वामी है आपके, और दूसरा तीसरे भाव के स्वामी है 3rd हाउस के, और बैठेंगे कहां ये लगन में बैठेंगे आपके सिंह राशि वालों के, क्योंकि सिंह लगन है आपका, तो ये पहले भाव में आकर के बैठेंगे। जब ये यहां बैठेंगे तो क्या करेंगे बता देते हैं। देखिए सुखों में तो वृद्धि करेंगे ही करेंगे, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता, साथ ही दशम भाव का स्वामी केंद्र में आकर के बैठेंगे तो आपके रोजगार में आपके व्यापार में भी आपको सफलता मिलेगी, लाभ प्राप्त होगा, और आपका जो व्यक्तित्व है पर्सनैलिटी जो है उसमें भी उसका भी एक तरीके से उसमें निखार आएगा शुक्र के आने से 17 जुलाई से सिंह राशि में। और आपका जो आकर्षण है वो लोगों को आकर्षित करेगा, लोग मतलब आकर्षित होंगे आपकी ओर, आपकी पर्सनैलिटी की ओर, आपके व्यक्तित्व की ओर, कुछ ऐसा आपके अंदर शुक्र के कारण होगा, हैंडसम जिसको कहते हैं आपका लुक। और दूसरा वैवाहिक संबंधों में बहुत मधुरता आएगी, एक दूसरे के प्रति प्यार रहेगा, एक दूसरे के प्रति
आपस में सद्भावना रहेगी, समर्पण की भावना रहेगी, बहुत शुक्र बहुत अच्छा कराने वाले हैं आपके लिए, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा सुखद बनाएंगे आपका और करियर में भी आपके जो है आपको लाभ प्राप्त कराएंगे निश्चित रूप से। छोटे भाई बहनों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा, तो इस प्रकार का लाभ आपको शुक्रदेव कराने जा रहे हैं 17 जुलाई से 11 अगस्त के बीच। अब आगे हम चर्चा करेंगे कन्या लगन, कन्या राशि और कन्या यानी कि वर्गो साइन। उसमें मैं चार्ट में जो देख पा रहा हूँ कि शुक्रदेव आपके नवम भाव के लॉर्ड हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव में बैठेंगे। तो देखिए द्वादश भाव में जब ये आकर के बैठेंगे अब 17 जुलाई से, तो देखिए खर्चे तो आपके कराएंगे, इसमें तो कोई दो राह नहीं है, खर्चे होंगे आपके और वो खर्चे जो होंगे विशेष रूप से आपके अपने स्वयं के ऊपर होंगे। और वो क्यों होंगे? ताकि आप इसलिए वो खर्चा करेंगे अपने ऊपर कि ताकि आपका लुक अच्छा हो, आप हैंडसम दिखाई दें या ब्यूटीफुल दिखाई दें, आपका फेस अच्छा, आप अपने पहनने ओढ़ने के ऊपर पैसा खर्च करेंगे, अपने यूनिफॉर्म के ऊपर खर्च करेंगे ताकि आपका लुक गुड लुकिंग हो, आप इस बात के ऊपर शुक्र आपका पैसा खर्च कराएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और परिवार के जो सदस्य हैं, परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका तालमेल बना रहेगा अच्छा। और जिनके कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले हैं, लीगल मैटर्स चल रहे हैं कुछ, निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता हासिल होने जा रही है शुक्रदेव के कारण। और विरोधी जो हैं आपके, विरोधी शांत होंगे, शुक्रदेव उनको शांत करेंगे, शत्रु आपके शांत होंगे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होने जा रही है और भाग्येश भी हैं आपके, ये भाग्य के स्वामी हैं, तो भाग्य में भी आपके बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी, भाग्य का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। तो इस प्रकार के लाभ शुक्रदेव आपको देने जा रहे हैं 17 जुलाई से, आप तैयार रहिए। अब आगे होगी चर्चा तुला राशि, तुला लगन के जो जातक हैं। देखिए तुला राशि भी जो है लिब्रा साइन जिसको हम बोलते हैं, उसके भी लॉर्ड शुक्रदेव ही हैं और यहाँ तो लगन में तुला राशि है और मैं जैसा कि बता रहा हूँ कि तुला के स्वामी जो हैं वो शुक्रदेव ही होते हैं, तो ये तो पूरे चार्ट के लॉर्ड ही शुक्रदेव हैं और ये आपके एकादश भाव में बैठेंगे, 11th हाउस में जो इनकम का हाउस होता है आपका। और दूसरा घर जो है इनका जिसके ये लॉर्ड हैं, जहाँ इनकी वृषभ राशि पड़ी है आपके चार्ट में, वो है 8th हाउस। तो देखिए साथियों, आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले कि जब ये यहां आएंगे 17 जुलाई को आपके इनकम के घर में, तो आपकी आय में वृद्धि होगी, आपके मित्रों का आपको सहयोग प्राप्त होगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग और प्यार मिलेगा, जो छात्र हैं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्ति में शुक्र बहुत बड़ा सहयोग आपको देने जा रहे हैं छात्रों को। यानी कि अगर पहले से कोई कुछ परेशानियां आप फेस कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी शिक्षा को लेकर के, वो दूर होंगी, स्मूथनेस लाएंगे शुक्र आपके एजुकेशन को लेकर और परिणाम भी आपके अनुकूल होंगे। थोड़ा सा भी अगर आपने ध्यान दिया अपनी एजुकेशन पे, परिणाम बहुत एप्रिशिएबल रहेंगे, ये छात्रों के लिए मैं बता रहा हूँ विशेष रूप से। और जो कार्य क्षेत्र में हैं, यानी कि जो लोग रोजगार या व्यापार करते हैं, ये समय 17 जुलाई से 11 अगस्त के बीच का ऐसा है कि अगर उनको कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं, डिसीजन लेने हैं कुछ बड़े, तो वो ले सकते हैं, ये समय है, बहुत उचित समय है कि जब वो ये ऐसे कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं, बहुत लाभकारी रहेंगे उनके लिए। तो देखिए ये आपको फायदा, इनकम का सबसे बड़ा फायदा कराएंगे, इनकम में बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी, तो इस प्रकार के लाभ आप तुला लगन वालों को मिलेंगे, तुला राशि वालों को। आगे वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन, वृश्चिक लगन। तो देखिए वृश्चिक लगन के जो मैं चार्ट देख रहा हूँ उसमें द्वादश भाव के लॉर्ड हैं शुक्र, जहाँ उनकी तुला राशि है 12th हाउस, और एक है वो सप्तम हाउस के 7th हाउस के लॉर्ड, जहाँ उनकी वृषभ राशि है, और ये बैठेंगे
दशम भाव में, टेंथ हाउस में, जो कि करियर के लिए देखा जाता है। निश्चित रूप से आपके करियर में, चाहे आप रोजगार करते हैं या फिर व्यापार, निश्चित रूप से आपको सफलता हासिल कराएंगे शुक्रदेव 17 जुलाई से जो आ रहे हैं। यानी जो परेशानियां आपको चल रही थी आपके कारोबार में, आपके रोजगार में, निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं उसमें कमी आएगी, आपको सुकून मिलेगा। बहुत अच्छा जगह आ रहे हैं अब ये, निसंदेह कि ये जो हैं अपनी शत्रु राशि में होंगे, लेकिन गुरु से दृष्ट है, गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, पड़ेगी उनके ऊपर। तो एक बहुत अच्छा ये संयोग बन रहा है, आप लोग लाभ लें, अपने कुछ अच्छे परिणाम आपको प्राप्त कराने आ रहे हैं शुक्रदेव आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, आप लाभ ले सकते हैं, आप लाभ लेने वाले होने चाहिए। हाथ पे हाथ धर के बैठने से फायदा नहीं है, कुछ करिए। अब आ रहे हैं ग्रहों का सपोर्ट आपको मिलने जा रहा है शुक्रदेव का, आप वृश्चिक लग्न के जातकों को सुख सुविधाओं में भी आपके बढ़ोतरी होगी, उसका भी आप लाभ प्राप्त करेंगे, वो भी शुक्रदेव आपको कराएंगे। साथ ही क्या कराएंगे, दूसरा काम, दूसरा ये कराएंगे कि जो वैवाहिक जीवन है वो भी सुखद होगा, जो विवाहित लोग हैं उनका वो भी सुखद होगा। तो इस प्रकार का आपको बेनिफिट मिलने वाला है शुक्रदेव के कारण। आगे हम धनु राशि की चर्चा करेंगे, यानी धनु लगन सेजिटेरियस साइन। तो देखिए आपके चार्ट में जो है शुक्रदेव एकादश भाव के लॉर्ड हैं, 11th हाउस के, और षष्ठ भाव के स्वामी है, 6th हाउस जिसको हम कहते हैं। 6th हाउस में इनकी टॉरस साइन है, यानी कि वृषभ राशि है, और एकादश यानी कि 11th हाउस में तुला राशि है, और ये आपके भाग्य भाव में बैठेंगे आकर के। निश्चित रूप से जब ये भाग्य भाव में आएंगे, गुरु की दृष्टि में होंगे, आपके भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको सहयोग प्राप्त होगा 17 जुलाई से 11 अगस्त के बीच। और जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं हायर एजुकेशन में, उनके भी परिणाम बहुत काफी एनकरेजिंग होंगे, आपको बहुत एक तरीके से वो खुशियां प्रदान करेंगे शुक्रदेव छात्रों को जो हायर एजुकेशन में। और इसके अतिरिक्त जो यात्राएं करनी पड़ेंगी, अगर आपको करनी पड़ती हैं मान लीजिए, वो भी आपके लिए लाभकारी रहेंगी। इस और दूसरी बात वो ये कि जो कवि हैं या नाटककार हैं, नाटक लिखते हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, ऐसे पब्लिशर्स हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं, न्यूज एडिटर हैं, ऐसे लोगों को भी शुक्र की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, उनके कार्यों में भी उनको सफलता प्राप्त कराएंगे। तो इस प्रकार का जो है ये रहेगा आपके जीवन में 17 जुलाई से। मकर राशि यानी कि मकर लगन कैप्रिकॉन साइन, आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो दशम भाव के स्वामी, करियर के आपके लॉर्ड हैं, वहां पर तुला राशि है उनकी, और एक आपके पंचम भाव के वो स्वामी है, पंचम भाव यानी के 5th हाउस, जहां पर इस समय राहु विराजमान है पंचम भाव में आपके। और निश्चित रूप से क्योंकि राहु वहां पर विराजमान है, तो देखिए जो भी कुछ होगा सडनली होगा, अगर छात्र पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो अचानक या तो रिजल्ट खराब हो जाएंगे या रिजल्ट बहुत बढ़िया आ जाएगा, कुछ इस प्रकार का बन रहा है, चल रहा है। लेकिन अब शुक्रदेव क्योंकि आने वाले हैं अपने दशम भाव में, 10th हाउस में, 17 जुलाई से, तो देखिए एक चीज का फायदा तो आपको ये बिल्कुल कराएंगे, इसमें कोई शक नहीं दूर दूर तक, कि आपको आपके कार्य क्षेत्र में ये सफलता प्राप्त कराएंगे, आप सफल होंगे। जहां भी किसी तरीके की कोई चैलेंजिंग सरकमस्टांसेस आपके लिए बने हुए थे पहले से, कुछ परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं थी, विपरीत थी, तो वो सब कुछ चीजें जो है पॉजिटिव करेंगे, आपके अनुकूल करेंगे, सकारात्मकता आएगी आपके कार्य क्षेत्र में, काफी आपको हल्कापन फील होगा, और खाली हल्कापन ही फील नहीं होगा, आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल भी होंगे, आगे भी होंगे, उन्नति भी करेंगे, ये शुक्रदेव के कारण। कुछ ना कुछ आपके लिए जरूर वो अच्छा करने वाले हैं, आपके करियर में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती हैं, कुछ अच्छे और मौके, कुछ अच्छे अवसर आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हाँ, छात्रों के लिए जो था वो थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता होगी,
मैं उनके लिए विशेष रूप से कह रहा हूँ कि छात्रों को अपनी एजुकेशन को लेकर के जरा सी भी लापरवाही उनके लिए बहुत महंगी पड़ सकती है, उनको अलर्ट रहने की जरूरत है। और सुख सुविधाओं में आपके निश्चित रूप से आप उसका उनका सारी सुख सुविधाओं का लाभ लेंगे, ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाओं का लाभ दिलवाएंगे शुक्रदेव आपको। और आगे चर्चा होगी कुंभ लगन कुंभ राशि के जातकों की, कुंभ लगन कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके शुक्रदेव जो हैं नवम भाव के स्वामी हैं, वहाँ पर तुला राशि है नाइन्थ हाउस में, और एक फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं वो, जहाँ पर उनकी वृषभ राशि है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जो उनकी राशि परिवर्तन होने जा रहा है 17 जुलाई से, तो वो आपके सप्तम भाव में आकर के बैठेंगे 11 अगस्त तक। तो क्या करेंगे, देखिए आपकी जो पर्सनैलिटी है काफी आप उसका व्यक्तित्व में निखार आएगा आपके, और ऐसा निखार आएगा कि लोग भी आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाएंगे, यह आपको बता दें। सबसे पहली चीज आपके विषय में यह बता रहे हैं, जैसे ही शुक्रदेव आएंगे यहां सिंह राशि में 17 जुलाई को। दूसरा काम यह होगा कि आपके भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। तीसरा काम यह होगा कि यूं तो वैवाहिक सुख तो आपके पहले से ही बरकरार है, अब उनमें और वृद्धि होगी और अधिक वृद्धि होगी। आपके अपने जीवन साथी के साथ लाइफ पार्टनर के साथ प्यार में और बढ़ोतरी होगी एक दूसरे के प्रति, ये एक बहुत अच्छी बात है। आपके विचार मैच करेंगे एक दूसरे के साथ, आप एक दूसरे को एप्रिशिएट करेंगे, आप एक दूसरे के प्रति कमिटेड रहेंगे, कमिटमेंट आपका रहेगा। तो ये सब चीजें रहेंगी, वैवाहिक जीवन में जो सुख है उनमें और अधिक वृद्धि होगी, कहने का भाव मेरा ये था। और जहां तक सुख सुविधाओं का प्रश्न आ जाता है, सुख सुविधाओं में भी आपकी वृद्धि होगी, उसका भी आप लाभ प्राप्त कराएंगे शुक्रदेव आपको। अंत में मीन राशि यानी मीन लगन पाइसिस साइन, आपके चार्ट में जो तुला राशि है उनकी शुक्रदेव की वो एर्थ हाउस में है अष्टम भाव में, और जो उनकी वृषभ राशि है वो आपके थर्ड हाउस में तृतीय भाव में। हालांकि आप मीन लगन के जो जातक हैं उनके जो मैं देख रहा हूं कि शुक्र उनके लिए जो है कारक नहीं अकारक है, और अभी बैठेंगे वो सिक्स हाउस में आकर के षष्ठ भाव में। तो जब यहां पर आकर के ये बैठेंगे निश्चित रूप से आपके विरोधी जो हैं वो शांत रहेंगे, शत्रु पक्ष शांत रहेगा, कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई मामले चल रहे हैं तो उनमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी, ये मैं कहना चाहता हूं आपसे। और अचानक आपका अपने कार्य क्षेत्र में अगर आप रोजगार में हैं तो अचानक आपकी उन्नति हो सकती है, पदोन्नति, जिसके विषय में आपको दूर दूर तक भी कोई अंदाजा ना हो, ऐसा कुछ भी घटित हो सकता है 17 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में। बेशक चाहे पदोन्नति ना हो, कार्य क्षेत्र में उन्नति ना हो, लेकिन कुछ हालात इस प्रकार के बन जाएंगे कि आपको इस बात का बहुत अच्छी तरह एहसास हो जाएगा कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ विचार किया नहीं था, पता नहीं ये सब मेरे सीनियर्स के माइंड में कैसे आ गया आपको लेकर के। तो इस प्रकार की परिस्थितियां बन सकती हैं, इस बात की अधिक संभावना दिखाई दे रही है। और देखिए आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई व्यापारी वर्ग है और उनको अपने व्यापार को एक्सपेंड करने में, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में लोन आदि की जरूरत है या थी, उसके लिए वो भागदौड़ी कर रहे थे, ये वो समय होगा 17 जुलाई से कि अगर वो थोड़े भी एफर्ट करेंगे तो उनका इस तरीके के काम भी आसानी से बन जाएंगे लोन आदि के। तो साथियों ये था शुक्रदेव के राशि परिवर्तन होने से आप 12 राशियों के जातकों पर शुक्रदेव से मिलने वाले प्रभावों का वर्णन, उनकी चर्चा।
आपको ये पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं। क्यों दबाएं? क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का भी लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। और इसके अलावा आपसे हम कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे दर्शकगण प्रोग्राम देखते हैं, अगर उनके भी दिल में कुछ प्रश्न है, दिमाग में पूछना चाहते हैं, तो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। हमारी भी कोशिश होती है कि हमारी ओर से उसका शीघ्र से शीघ्र आपको उत्तर दिया जा सके। और किसी कारण अगर उत्तर आपको नहीं प्राप्त हो पाया है तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं हमारे स्टाफ से। और अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो आप हमारे से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं हमारे स्टाफ से, और आकर के हमसे मिल करके जो आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं अगर आप उनका निदान चाहते हैं अपनी हॉरोस्कोप के द्वारा, अपनी जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली के द्वारा, तो आप का स्वागत है। आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं। और कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में चल रहा है, कोई जिज्ञासा है, तो उसका समाधान निश्चित रूप से आपको दिया जाएगा। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।